अभी कल क्या हुआ, उस यूसुफ बाबा श्री बाबा के मौके पर हम वहां मौजूद थे। देखते क्या है, ढोल ताशे की महफिलें सजी है, कोई बाजा बजा रहा है, जुलूस निकाले जा रहे हैं, यूसुफ बाबा श्री बाबा के नाम पर लोग नाच रहे हैं, ढोल ताशे की महफिलें सजा रहे हैं, कोई दीवानों की तरह पैसे उड़ा रहा है। सोचते क्या है, क्या अल्लाह वाले उनसे राजी हो जाएंगे? क्या सोचकर तुम ये महफिलें कर रहे थे? क्या सोचकर तुम ये बाजा बजा रहे थे कि यूसुफ बाबा हमसे राजी हो जाएंगे? क्या वो हमसे खुश हो जाएंगे? क्या अल्लाह उसका रसूल हमसे राजी हो जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं। ये तो काम जो तुमने किया है, इससे अल्लाह भी नाराज, रसूल खुदा भी नाराज, यूसुफ बाबा शरीफ बाबा भी नाराज। तुमने ये काम कर, ये बेगरतारा काम कर, तुमने गैरों में इस्लाम को बदनाम कर दिया, अपनों में सुन्नियत बदनाम हो गई। लोग देखने वालों ने कहा कि ये तो जुलूस जो जा रहा है, ये मुसलमानों का नजर नहीं आता, ये अल्लाह वाले का नजर नहीं आता। महसूस तो ये हो रहा है किसी गैर मजहब वाले का जुलूस जा रहा हो, ये गणपति जुलूस जा रहा हो। लोगों ने ये तक कहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्लाह वाले आकर इसके ऊपर नाच रहे हैं। किसी ने फेसबुक पर कमेंट कर दिया, माशाल्लाह ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये वजह किसकी थी? तुमने ही तो ने मौका दिया, तुम वहां पर नाच रहे थे। तुम्हारा नाचना वहां पर तुम्हारी नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरी करना, ये दूसरों को मौका देता है। दूसरे कहने पर मजबूर हो गए कि तुम गुनाह करते हो। तुम्हारे अल्लाह वालों की ही तालीमात है माजल्ला, हमारी तालीमात ऐसी नहीं। जाहिलों नौजवान अहले सुन्नत जो जाहिलों के साथ रहती है, नाच गाने में मलूस है, वो अगर सुन्नियत को पढ़ते, इमाम आला हजरत की तालीमात पढ़ते। आला हजरत ने तो यहाँ तक फरमाया कि तुम जब अली के मजार पर जाओ, उसमें ढोल ताशे ना करो, ये हराम काम है। मजार पर जाओ तो चार हाथ के पास लेकर खड़े हो जाओ, क्योंकि अली से चार हाथ के पास लेकर रहकर दुआ की जाए, उनसे उनके लिए फातिहा खानी की जाए। आला हजरत ने तो यहाँ तक फरमाया इस्लाम के हवाले से कि जब एक चादर मजार औलिया पर बिछी हो तो दूसरी चादर का बिछाना इसराफ है, दूसरी चादर का बिछाना ज्यादा इसमें पैसों का इस्लाम करने में गिना गया है। मदारात पर हम देखते क्या है, कल हमने देखा बड़ी औरतों का हुजूम है, बुरके वालियां नजर आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई फंक्शन में आए हुए हैं, नाच गाने की महफिल में देख रहे हैं। खवातीन हमारी बेपर्दा होकर निकल आई है, देखने में आता है कि किसी के सर पर ओढ़नी नहीं है। मेरे मुसलमान नौजवानों, क्या हो गया, तुम अपने घर वालों को लेकर बाजारों में निकल गए? अल्लाह वालों की बारगाह पर आने के हवाले से इमाम अहले सुन्नत से जब सवाल किया गया कि जब औरत मजार औलिया पर आ सकती है या नहीं, तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सवाल ये ना करो कि औलिया अल्लाह की मजार पर औरत आ सकती है या नहीं, बल्कि सवाल तुम्हारा तो ये होना चाहिए जब औरत मजार के औलिया पर हाजिर होती है तो अल्लाह की कितनी अजाब नाजिल होता है, अल्लाह की कितनी लानत उन पर नाजिल कर दी जाती है। मेरे इमाम ने तो औरतों को आने से मना फरमाया है, लोग आकर सस्ते करते हैं मदारात औलिया पर। क्या तुम्हें पता नहीं सस्ता से अल्लाह के हुजूर होना चाहिए? अल्लाह के अलावा किसी पर सस्ता नहीं होगा, अल्लाह के सामने ही सस्ता किया जाए, किसी और के सामने सस्ता ना होगा। इसी हवाले से फतावे रसूलिया शरीफ में आता है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि कोई सस्ते की नीयत से किसी वली या किसी शख्स के सामने झुकता है तो उसका वो सस्ता करना हराम है, और कोई तादीब की नीयत से झुकता है तो उसका सस्ता करना हराम है। और अगर कोई ये सोच कर सजदा करता है कि ये अल्लाह वाला है इसलिए मैं सजदा करूंगा, तो उसका सजदे की नीयत से सजदा करना ये कुफ्र तक ले जाता है। मुसलमानों सुधर जाओ, आज वक्त है, अपने आप को सुधार लो, वरना गैरों को तो मौका ही मिलेगा। कहेंगे कि औलिया के मजार पर जाओगे तो पूरा बातें ही होगी। औलिया के मजारात पर जाने से किसी का कहना, कोई कहता है कि मजारात औलिया पर मत जाओ, वहां पर ईमान कमजोर होता है। तुम्हारे देखने से और तुम्हारे दिखाने से तो यही महसूस हो रहा है कि मदारात औलिया पर जाकर ईमान को कमजोर किया जा रहा है, ढोल ताशे के जरिए, नाच गानों के जरिए,
हैं, लेकिन हमारा तो अकीदा है जब औलिया के मजार पर जाते हैं, औलिया अल्लाह हमें पैस देते हैं, उस पैस की बदौलत हम जीते हैं, उस पैस से हमारी रूहानियत मिलती है। लेकिन तुमने तो तमाम सुन्नियत को बदनाम कर दिया। मुसलमानों, कई लोग वहां पर मौजूद थे, मैंने देखा वहां बद मजहब भी मौजूद था, वहां वहाबी भी मौजूद था, वो भी वीडियोग्राफी कर रहे थे। उनकी नीयत क्या थी? वो वली के मजार की वीडियोग्राफी को नहीं आए थे, उनकी नीयत तो ये थी कि वो अहले सुन्नत के जाहिलों की खुराफातों को अपने कैमरे में हैद करें और उनकी खुराफातों को लोगों के सामने पेश करके अहले सुन्नत को बदनाम करें। अहले सुन्नत के नौजवानों, तुमसे गुजारिश करता हूँ, ऐसी खुराफातें ना करो। हंसने का वक्त नहीं है, रोने का वक्त है, होश के नाखून लो। जब वली की मजार पर जाओ तो वली की मजार पर जाने के तरीके आदाब तुम्हें वहां पे अहले सुन्नत ने सिखाए हैं, तुम पढ़ो। आप इस्तेमात में आओ, उलमा इकराम की सोबत में बैठो, अहले सुन्नत के उलमा इकराम के बयान सुनो, अपने आप को अहले सुन्नत से वाबस्ता करो। जब तालीमात आला आकर तुम्हारे दिल में आएगी, तुम्हारे तुम्हें पता चलेगा, तो तुम ये खुराफातें नहीं करोगे। और गैरों से कहना चाहता हूँ कि जब कोई जाहिल ये करता है तो एक जाहिल के करने से तमाम अहले सुन्नत को बदनाम ना करो, वरना तो देखा तो ये भी गया है कि काबे में कई जगह पाकिट मार होते हैं, खाने काबा में लोग तमाम करते हैं, उनकी पाकिटें मार ली जाती है, उनके फोन मार लिए जाते हैं, तो क्या तुम ये कहोगे कि वहां जाना भी आराम है मौजल्ला, क्योंकि वहां पर पाकिट मारी जा रही है, वहां पर भी गुनाह किया जा रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है प्यारे, कि जब जहां पर जो काम हो वहां पर अगर कुछ खुराफातें हो तो वहां पर जाना ही ममनू कर दिया जाए। औलिया अल्लाह की मजारात ये फ्यूज बरकात वाले मकामात है, यहां पर बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन इसका कुछ तरीका है। शरीयत के पाबंद होकर जाए, शरीयत ने जो तरीके बताए उन तरीकों पर अमल करे। वमा अलैना इल्ला अल बला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Habib.